का पार्ट खुलते हुए हम चाहते हैं कि सामने देखें, इसलिए हम या फाट गल बा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12। हम लोग लेट तो नहीं कह सकते, कल इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे तो इसकी वजह से अब निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड से जाने के बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। चले भाई, रेडी? सारे व्यूअर्स को हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आप नहीं आ पाए और बहुत मुश्किल भी है, और भोले बाबा उसको बुलाते हैं, उसको मन्नत होती है, क्योंकि मैं भी दो दिन पहले ही प्लान बना, और जो नहीं आ पाए हमारे भाई उनको घर बैठे दर्शन कराएंगे। मैं इससे पहले नीलकंठ गया था, तब मैंने वहाँ पे बोला था कि भगवान इस बार केदारनाथ भी मुझे जाना है, और देखो विद इन वन मंथ हुआ है हम लोग इधर आ गए। अब यहाँ से चलते हैं, ये राघव भाई, विजय एंड पवन। तो चलो चलते हैं, यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से ऊपर से आए थे हम लोग, और हमारे होटल से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। ये पूरा एरिया है, ऐसे हमें जाना है गौरीकुंड के लिए, यहाँ से ऊपर जाना है। और सारी बात होता क्या है, ये बैंक जो बालू वाले होते हैं उनको भी, अच्छा उनको भी भगा देते हैं क्या? चलो भाई लेट हो जाएंगे, 1:30 बज गया यही, आज इसकी सेवा हो रही है। चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट अच्छा था, नॉर्मल था। अब हम लोग जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश शुरू हो चुकी है क्योंकि एक दो बूंदे गिरी हैं। टाइम हो रहा है 1:30 और मुझे अभी फीवर था। कल रात को भी मैं इसीलिए टायर्ड था क्योंकि हल्का फुल्का फीवर था, बट मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, बट अभी मैंने मेडिसिन खा ली है और पसीना वगैरह आया है। तो देखते हैं वहाँ चल के क्या कंडीशन रहती है, अगर ठीक रहता है तो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। और बैग हमने ठीक ठाक ले लिया सभी लोगों ने, मतलब चढ़ाई करते हुए ज्यादा वेट ना लगे। और यहाँ का व्यू देखो यार, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। पानी की बूंदे गिर रही हैं, सो अभी टेंशन ये हो रही है कि इन केस गौरीकुंड पहुंचने से पहले बारिश हो गई, तेज बारिश। अभी तो क्या 2-4 बूंदे गिर रही तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज्यादा अगर तेज बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा क्योंकि अभी किसी ने भी नहीं पहना है। चलते आगे देखते हैं कैसा मौसम रहेगा, ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छा है। बट श्योरली हम लोग जा रहे हैं मई में, आज है 5 मई और कल है 6 मई, कल कपाट खुलेंगे। सो आप सोच सकते हो कि बरसात का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। सो अभी हम लोग मॉर्निंग में जब सारे लोग सो रहे थे तब मैं यहाँ से ऊपर गया था, हम लोग 2-3 किलोमीटर आगे तक गए थे। रोड वगैरह ठीक है, थोड़ी सी नैरो है, बट रोड आगे ठीक थी, यहीं पे ये थोड़ी सी खराब थी। और इस तरह के छोटे छोटे वाटरफॉल आपको हर जगह अब मिलेंगे कंटिन्यू, और जब हम ट्रैकिंग करेंगे तब तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ रास्ते में आपको इस तरह के टॉयलेट भी मिल जाएंगे, ये मॉड्यूलर टॉयलेट्स हैं जो कि यहाँ जगह जगह बने हुए हैं, जो छोटे छोटे टी स्टॉल और उन सबके होते वहीं पे इन्होंने बनाया हुआ है। भाई बारिश हो गई है स्टार्ट, तो मैंने सोचा कि रेन कोट वगैरह पहन लूँ। गोप्रो से माइक हटा दिया क्योंकि माइक हटने के बाद क्या होता है उसमें वाटरप्रूफ नहीं रहता है, तो वो भी हटा दिया है। A few moments later. So, ये है सोनप्रयाग की सबसे लास्ट पार्किंग। सोनप्रयाग में सबसे आगे यहाँ तक आप रोड पे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है, उससे पहले ही यहाँ पे एंट्री है, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं जाने दे रहे। हम लोगों की सारी बाइक यहाँ पे लगी हुई है और बस अब हम यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे रोड की कंडीशन बहुत खराब थी, ये देखो हम लोग की बाइक की कंडीशन क्या हो रखी है। मेरी एक्चुअली डोमिनार में ये पीछे नहीं लगा हुआ, भाई के मैं लगा था, इसकी गाड़ी बहुत बच गई है, बट मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है। भैया भी हो गए, मेरा जो रेनकोट था वो पीछे से सारा गंदा हो गया। गाइस बालाजी मॉडिफिकेशन में मेरे भाई ने कुछ काम करवाया था, एसकेडी वर्ल्ड करोल बाग में चीजें तुम्हें ऐसी ऐसी दे देगा भाई, कहीं नहीं मिलेगी, पर चीजें ऐसी मिलेगी। देखो मैंने 13,000 रुपए लगाए हैं, पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ काम नहीं आया, मैंने सब ओरिजिनल लगाया। नहीं, ऐसी चीजें मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी, और ऐसी चीज मिलेगी जो कभी नहीं चलेगी। डमरू लेके बजा के पहले थोड़ी देर पब्लिक इकट्ठा नहीं करती थी, कोई इकट्ठा नहीं होता तो ऐसे करके पहले पब्लिक इकट्ठा करता फिर हमें एंटरटेन करता है। इतने लंबे रूट पे जब तक मजाक मस्ती नहीं होगी मैं तो घंटे चले भाई चले, सुनो लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा हेलमेट भी लेना है यार, मैं तो हेलमेट यहीं छोड़ के जा रहा था। यहाँ से आपको पार्किंग के लिए अंदर आना है और इधर से ऊपर जाके पार्क करनी है, और यहाँ पे हेलमेट वगैरह रख सकते हैं यहाँ सामने। और पार्किंग चार्जेस है बाइक के लिए 50 रुपीज, कार और जीप के लिए 100, और बस और ट्रक के लिए 150। कोई बस और ट्रक नहीं दिख रहा इधर, यहाँ पे हेलमेट रख देते हैं फटाफट। 30 रुपीज एक का, और कितने भी देर रखे हम, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं भाई। भूंगड़े भाई आके सोच ले हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी में, पीनट मूंगफली। हमारे गांव में तो सीधी बात क्या कर रहे मेरे भाई, भूंगड़े खाओगा।
मूंगड़े क्या मूंगफली मूंगड़े मूंगफली दाने। ये थी इधर पार्किंग और यहाँ से हमें एंट्री करनी है। मॉर्निंग में चढ़ेंगे ना, अभी तो आप शाम हो गई। अगर हम आज चाहते हैं कि अभी केदारनाथ के पास होटल देख लेंगे, आगे पता कर लेना अगर वहाँ से चढ़ने। सोनप्रयाग में पार्किंग से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ पे मैनुअल रजिस्ट्रेशन आके करा सकते। बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पूरा मार्केट आर्केट बना हुआ है। भाई यहाँ का व्यू देख लो, यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत अच्छा है और ऑफिशियली यहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में सब श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो फिलहाल ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और इधर दोनों तरफ रिवर बह रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से आपको जैसे ही आप सोनप्रयाग से आगे आएंगे पार करके थोड़ा पैदल आना है, उसके बाद आपको यहाँ टैक्सी वगैरह मिलेगी। ब्रिज से जाने के बाद यहाँ से हम लोग ने ले लिया टैक्सी और अब हम लोग निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। टैक्सी के चार्जेस है 50 रुपये पर पर्सन। हाँ भाई तैयार, हर हर महादेव। हम करेगा साला। कौन 100 किलोमीटर हम जा रहे हैं, हाँ घुटका छूते हैं, 100 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से गाड़ी से, 4 चक्का गाड़ी। हाँ तो इसके बाद भाई हमको पता नहीं आगे ट्रैक मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए पराठा 2 एक्स्ट्रा खा लिया है। तो अभी हम लोग आ गए गौरीकुंड पे, यहाँ पे रोक दी अपनी गाड़ी और अब आगे जा रहे ट्रैक करते हुए पैदल। तो यहाँ से ऑफिशियली केदारनाथ फुट ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जो कि 16 किलोमीटर लिखा हुआ है। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ट्रैक शुरू करते हैं। हौसला है, पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे क्यों नहीं, आज ही पहुँचेंगे। करना है तो करना है। एक्चुअली कपाट खुलते हुए हम चाहते हैं कि सामने देखें, इसलिए हम चाहे रात में करना पड़े हम करेंगे। करना है तो करना है। हर हर, हर महादेव। धीरे धीरे चलना है, गाड़ी में थकावट नहीं होती। हाँ जितना हम स्लो चलेंगे ना उतना आराम से पहुँचेंगे। और यहाँ पे इतना सही वेदर है और पूरे रास्ते आपको इस तरह के वाटरफॉल मिलते जाएंगे। गौरीकुंड में आने के बाद आपको यहाँ पे कुली सर्विस भी मिल जाएगी, खच्चर वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाएंगे। जो ट्रैकिंग जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से आपको हर चीज मिल जाएगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं गौरीकुंड में। जब आप फूड ट्रैक से थोड़ा सा आगे आएंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह ठीक ठाक क्वांटिटी में है। और टाइम हो रहा है 5, तो 5 बजे शाम को हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, जब भी पहुँचेंगे आपको बताएंगे। भाई अभी जो है बैड न्यूज़ है कि अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। भैया अलाउ नहीं कर रहे क्या अभी? मॉर्निंग में 4 बजे करेंगे। इतना भयंकर रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और रूम यहाँ मिल नहीं रहे हैं। सो आप लोग जब भी निकलें ऐसे टाइम पे निकलें कि ऊपर ट्रैकिंग पे जा सकें। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट हो गए थे, काफ़ी लोग थे इसकी वजह से। अब इन्होंने बोला है सुबह 2:30 बजे से इस ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं। अभी तो प्लान कर रहे हैं इधर ही रुकने का। फिर से बोलिएगा यह सारा बोकार मचल बाहो, यह साला 5,000 रुपए कमरा देता रहो सन, यह फाट गल बा यहाँ जाए नहीं का देते सन, वहाँ खड़े हो लड़ के देते सन। तो एक काम करो ना, एक बार और ट्राई करो। एक बार और ना मर्द, एक बार ट्राई कर दे बनी और महादेव को के निकल नहीं साला लाठी दिखाओ। था भाई क्या सही बोल रहा है, तुम हरियाणा से हो ना? जी भैया। अरे यार लेकिन ऐसे कैसे भाई, इतना तगड़ा। अच्छा हर हर महादेव। भाई तुम लोग को नहीं जाने दे रहे? नहीं, नहीं। हम लोग को तो अलाउ कर रखा है, हम तो खड़े हैं ऐसे ही भाई। ये भी लोग हो तुम, इसीलिए नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं सब साथ में चले। क्या कह रहे भैया, जाने नहीं दे रहे? लोकल बंदों को जाने दे रहे हैं। भाई का स्वैग बहुत बढ़िया। फिर से पूछो क्या कह रहे हो। भाई कह रहा है, क्या कह रहा है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। टाइम हो रहा है 4। कल शाम को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ट्रैकिंग अलाउ नहीं थी, ट्रैकिंग बंद कर दी गई थी। घोड़ा 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 घोड़ा। और ये देखो कास्तम पूरी बर्फ की चादर, वो भी हाइट देखो कितनी ज्यादा है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी।